नजर करिए तो उकाई डेम में पानी की आवक घटी है। डेम में पानी की आवक में घटाड़ो नोधायो। उकाई डेम में पानी की आवक 1,40,000 क्यूसेक है। उकाई डेम में पानी की जावक 28,437 क्यूसेक थी। हाल डेम की सपाटी 342.53 फूट पर है। सूरत कोजवे की हाल सपाटी 8.30 मीटर है। सूरत में छेल्ला 24 कलाक थी वरसादे विराम लीधो। वधु माहिती माटे संवाददाता शैलेश त्रिवेदी जोड़ाई चुक्या छे। शैलेश, उकाई डेम में पानी की आवक घटी है, खास करीने जे सपाटी की बात करवामां आवे तो पानी की आवक 1,40,000 क्यूसेके पहुंची है और जावक 28,437 क्यूसेक थी। शुं विगतो? सूरतना उपर हाल डेमनी सपाटी 342.53 फूट पर पहुंची है। सूरत कोजवे की हाल सपाटी 8.30 मीटर है। सूरत में छेल्ला 24 कलाक थी वरसादे विराम लीधो छे। वरसादे विराम लीधो छे तेना कारणे ज आवक पण घटी छे। डेम में पानी की आवक में घटाड़ो थयो छे। कई डेम में पानी की आवक 1,40,000 क्यूसेक तो सामे जावक 28,437 क्यूसेक थी है। तेना कारणे जे डेमनी सपाटी है 342.53 फूट पर है। कोजवे की हाल की सपाटी 8.30 मीटर है। छेल्ला 24 कलाक थी वरसादे विराम लीधो छे। तो धीरे धीरे भादरव महीना में जे भारे वरसाद तो वरस्यो, परंतु अमुक जिल्लाओं में हवे वरसादे विराम पण लीधो छे। उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र तेमज कच्छ में अत्यारे जे झोन वाइज वरसाद वरसी रह्यो छे। आगाही जे व्यक्त करवामां आवी हती आज दिवस सुधीनी, ते अंतर्गत वरसाद वरसी रह्यो छे। त्यारबाद जे साइड इफेक्ट गुलाब वावाझोड़ानी पण देखाई हती ने शाहीन वावाझोड़ानी पण देखाई हती। तो संवाददाता शैलेश पण जोड़ाई चुक्या छे। शैलेश, जे रीते पाणी आवकमां घटाड़ो थयो छे पाणीनी आवकमां, तेने अंतर्गत पानी की जो आवक है 1,40,000 क्यूसेक और जो जावक है 28,437 क्यूसेक थी। शुं विगतो? सूरतना उपरवासमां एटले के सूरत थी उकाई डेम अने उकाई डेम थी उपरवासमां वरसादे विराम लीधो छे, तेने कारणे उकाई डेम में पानी की आवक घटी है। अलबत्त सवारे 1,00,000 क्यूसेक पानी की आवक थी, परंतु सवारे 8 वाग्या सुधी में 1,40,000 क्यूसेक पानी की आवक थी रही है। तेनी सामे 8 वाग्या थी 70,000 क्यूसेक पानी छोड़वामां आवी रह्युं छे। सूरत की बात करिए तो सूरत नो कोजवे अत्यारे 8 मीटर थी ओवरफ्लो थई रह्यो छे, एटले के 6 मीटरे ओवरफ्लो थाय छे। 2 मीटर अत्यारे वधु कोजवे उपरथी पानी जई रह्यु छे। नीचाणवाळा विस्तारोमां जे छेल्ला 2 दिवसथी समस्या हती के नीचाणवाळा विस्तारमांथी 100 थी वधु लोकोने स्थळांतरित कराया हता, તેઓ અત્યારે પોતાના ઘરે પાછા ફરી ગયા છે। સૌથી મહત્વનું સુરત માટે એ રહ્યું છે કે સુરતમાં વરસાદે ગઈકાલે અને આજ સુધી હજી સુધી વિરામ લીધો છે, તેને કારણે અત્યારે પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે કાબુ હેઠળ હોવાનો તંત્રનો દાવો છે। જો કે જો હજુ પણ વરસાદ વધે અને ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની આવક વધે તો સુરત મહાનગરપાલિકાનું તંત્ર હાલ એલર્ટ મોડ પર છે અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિ સર્જાય તો તેની સામે કામગીરી કરવાની તમામ તૈયારી કરી દેવામાં આવી છે। જી જી, આભાર શૈલેશ સમગ્ર માહિતી બદલ।